सो गाइस मोटो को देखिए ऊपर छत पे घूम रही थी, ये दोनों के दोनों इन दोनों की लड़ाई बजी थी अभी दोनों की। ये देख पेट में नहीं, बाबू गंदी बात, सॉरी बोल लो, सॉरी बोल प्रियम, सॉरी बोल, पहले पहले चाची को सॉरी बोल, पैर पकड़ के, पैर पकड़ के, सॉरी हाँ सॉरी, अब तो ना करिए, हाँ अब ना करिए बिल्कुल, हाँ गाने बज रहे ठीक है भाई भाई भाई, ओ ओ भाई चुप चुप चुप। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय व्लॉग को, शुरू करते हैं आज के न्यू व्लॉग को। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ नहाकर क्लीन जाने के लिए, और फिर हम भी नहाते पूजा भी कर लिया है, उसने चाय भी पी ली एक कप, और फिलहाल लेट रही है, ये तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए लेट रही थी, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी इसको, कोई बात नहीं हिम्मत बनाओ, अब तक दिक्कत ही होगी से आगे आगे इसलिए फिलहाल लेट कर आऊँगा, तस्लिए भी लेट रही थी, भजन सुन रही थी, फिर मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाओ टीवी बंद करके, फिर टीवी बंद किया, टीवी बंद करने के बाद फिर टीवी चला लिया इसने, तो कहाँ तक समझाऊँ उस मैडम को मैं, मेरे को समझ में नहीं आता, टाइम पास के लिए देखो ओहो, तो कुछ और कर लिया टाइम पास के लिए, कुछ कर तो नहीं सकती टाइम पास के लिए, यही तो बात है, बैठा नहीं सही लगता, लेट सो, लेट है वो कुछ काम बता दो, कर लूंगी, मम्मी पापा रात आ चुके थे, कल पापा किस टाइम आए थे मोटो, छह पौने छह बजे के आसपास पापा मम्मी आ गए थे, और बहुत लेट हो गए थे उनसे, सवा चार बजे के आसपास तुम्हारा फोन आते, पापा शाम के थे, ये पापा जी सामने थे, तो थोड़ा लेट तो ऐसे हो गए थे, कुछ ट्रैफिक ऐसा ही है, और जो बोलते हैं सड़क बन गई ना सामने वाली, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से टाइम लगता है, क्योंकि बाइक पे पूरा एक घंटा लग जाता है, एक सवा घंटा बाइक पे लग जाता है सड़क की वजह से, लेकिन जब सड़क बन जाएगी ना भाई साहब 30 मिनट 40 मिनट सामने से मुजफ्फरनगर में नहीं, मगर जब बन जाएगी ना फिर 30-35 मिनट में आराम से, मतलब 60-70 की स्पीड पर आदमी नॉर्मल जा सकता है 30-35 मिनट में, और 80-85 में तो अभी 40-45 मिनट में चले जाता है, इसीलिए तो मैं नॉर्मली चलता हूँ इसीलिए, तो ठीक है आप देखे वो लोग, फिलहाल मैं भी थोड़ा सा नाश्ता, तो अभी चावल और दाल बनी है, मिक्स वाली दाल, चने की दाल, मिक्स वाली दाल बहुत टेस्टी लगती है, हाँ तो तुम्हारी बिना रेसिपी निकलवा दी मैंने, सही करा बहुत बढ़िया, मेरा लाल मिर्च नहीं पड़ता, हरी मिर्च तो खा लूंगी, इसका ना पूरे शरीर पे इचिंग सी हो जाए लाल मिर्च खा के, तो इसीलिए इसकी ना बंद कर रखी है, तो मैं शादी से पहले भी लाल मिर्च खाती थी, शादी से पहले मतलब यहाँ पे आके लाल मिर्च खानी शुरू करी, अभी अब जाया वो बस, इसीलिए वैसे लो कोई बात नहीं, आप फिलहाल तो मैंने बोल देता अभी को, मैं भाई प्रियम की अलग से ही निकाल देना बिना छुके ही, और बाद में छोड़ देना, मिर्च मत डालना बस, लाल मेरी में डाल देना, मैं खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रियम को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, देखे कैसे मुँह बना के बैठी है, विधान सो रहा है और अभी तक उठा नहीं, रात तो लेट आया था हमारे पास में ऊपर, मैं बदी नहीं करने का, बेटा हो ना, मैंने कहा लेकिन जब तक पर मैंने कहा बदी नहीं करने का, बदी करा मगर तू, तो चाची को भी अपनी मिठी गोली देता है, चाची मैं आपको बेटा हूँ ना, पता है वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि लेटती आती है आते ना, उसके साथ बदी करना शुरू कर देता है, फोन रखा रहता है, दूर इतनी उठती है, फिर उठने बार बार दिक्कत होती है, अब नहीं बात ये है वो फोन देखता ना, फोन मंगा लगा, फिर ट्रैक्टर देखता है, फोन दिखा दो, फिर फोन की लत इतनी बुरी लग गई ना, तो अरे फोन ही चलने लगता है, तो इसलिए फोन दूर रखते हैं मुझसे अपना, तो ठीक है गाइस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में नाश्ता लाने के बाद, बने रहिए वो लोग के मेरे साथ।
सो गाइस वे भी जा चुके हैं क्लिनिक पर और जो है मैंने अभी अभी बेडशीट बिछाई है, सास चल गया बिछाने में भी। और तो ना जो बेडशीट रहती है ना तो जो गंदी रहती है वो मैं उल्टी करके जो है फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर पता चल जाता है मुझे कि क्या नाम कि ये जो है धुनी है, इसलिए मैं जब भी बेडशीट जो उतारती हूँ ना वो उल्टी करके जब रखती हूँ ताकि पता चल जाए कि ये धुलनी है इस वजह से। और ये वाली जो बेडशीट है मैंने अभी अभी जो है धोई थी, जब इस बार मैंने कपड़े वॉश किए थे तब धोई थी मैं। हफ्ते में दो बार जो है बेडशीट धो देती हूँ, उतार के चेंज कर देती हूँ। फिलहाल तो अभी नाश्ता किया है, अभी गए हैं क्लिनिक पर और अब करूँगी मैं आराम, क्योंकि आज सुबह से ना मैंने आराम ही नहीं किया, ऊपर घूमने चली गई थी। घूम के आने के बाद जो है तुरंत ही मैं काम में लग गई थी, उसके बाद आराम ही नहीं किया। फिर थोड़ी देर लेटी तब मुझे मेरी हालत सी खराब सी लगी कि हाँ मतलब वही अब जो है थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो उस थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है हालत खराब रहती है। तो बस पहले आराम कर रही थी और 10 मिनट मैंने आराम किया, उसके बाद जो है फिर से काम में लग गई। जो मेरा जो झाड़ पूछ का काम रहता है, डस्टिंग वगैरह पोचा वगैरह ये सब रहता है वो कर रही थी। शाम हो रही है और शाम के बज रहे हैं 5 और अभी जो है मैं सो के उठी हूँ। मैं ना सो गई थी, मेरे ना अचानक की आँख लग गई, 4:30 बजे जो है सो गई थी मैं और जो है 5 बजे उठ गई थी जब उनकी कॉल आई। फिलहाल तो मुझे भूख लग रही थी तो जो है ये सोन पापड़ी रखी थी, ये खाने लग रही थी मैं। और जब मुझे व्लॉग भी एडिट करना था तो व्लॉग भी एडिट करूँगी, अब जब जो एक क्लिप है वो ऐड करनी है मुझे उसमें। बस बस जो है दीपावली की सोन पापड़ी बची हुई थी और जो है वही खाने लग रही थी, मन कर गया था मीठा खाने का तो मीठा खाने लग रही थी। तो गाइस व्लॉग को ना मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको जो है आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।